कांग्रेस को उस पर जवाब देना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां देश में थी कि पश्चिम बंगाल में चिटफंड के घोटाले वाले वो लोग ममता बनर्जी जी की पेंटिंग को 3 करोड़ रुपए में खरीदते थे और यहाँ पर बैंक वाले यूपीए की सरकार में कांग्रेस के लोगों की पेंटिंग्स को करोड़ रुपए में खरीदते थे। आखिर ये क्या खेल था, इस पर थोड़ा प्रकाश सोनिया जी और ममता जी डालेंगे तो शायद देश को कुछ पता चल पाए। सर, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो गवर्नमेंट अपने तरीके से देख रही है और जो जेल में है उस आदमी के बयान सुन रही है। देखिए, अगर ऐसा हुआ है और एक किसी व्यक्ति ने इतने गंभीर आरोप लगाए और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस के नेताओं पर बार बार पार्टी और परिवार पर कई बार इस तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं, बहुत सारे लोग बेल पर भी हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि एक मात्र आरोप नहीं, इसके पीछे किस तरह से जमीनों की बात हो, परमिशन देने की बात हो, बैंकों की बात हो, केवल और केवल खाने और पीने का, कमाने का ही काम था और देश को बेचने का काम उस समय किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।